फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Realme 12 प्लस एंड्रॉइड मोबाइल फोन में आप अपने मोबाइल फोन के ना स्लो इंटरनेट की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कभी भी अगर आपके फोन का इंटरनेट स्लो चलता है ना, तो सबसे पहले फोन को एक बार रीस्टार्ट करना है, ठीक है। अगला काम ये करना है कि आपके फोन में फाइल का ऐप है, इस फाइल के ऐप को ओपन कर लेना है। इस ऐप के अंदर आपको नीचे की साइड ऐप्स का ये ऑप्शन टैप करना है। इसके अगले पेज में सबसे ऊपर है सिस्टम ऐप, सिस्टम ऐप पे आपको टैप करना है, ठीक है ना। अब देखिए आपको जो है ना इस वाले पेज में ये एंड्रॉइड सिस्टम पे टैप करना है। अब इसके अगले पेज में आपको नीचे की साइड स्टोरेज का ये ऑप्शन टैप करना है। अब इसके अगले पेज में क्लियर कैच का ये ऑप्शन टैप करना है। तो कैच के सामने डेटा आपका जीरो हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अब आपको बैक पेज पे जाना है, ठीक है। अब इसके भी बैक पेज पे जाना है, तो आपने जो एंड्रॉइड सिस्टम सेलेक्ट किया था ना, इसी पेज में आपको नीचे की साइड सिस्टम यूआई पे टैप करना है। अब इसके अंदर भी आपको स्टोरेज पे टैप करना है। अब इसके अगले पेज में भी क्लियर कैच का ये ऑप्शन टैप करना है, तो कैच के सामने डेटा जीरो हो जाता है, ठीक है। अब देखिए अगला काम ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन का इंटरनेट चालू करके मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सबसे ऊपर आपको सर्च बार पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में सॉफ्टवेयर अपडेट आपको लिखना है। नीचे आपको सॉफ्टवेयर अपडेट का ये ऑप्शन शो होता है, इसे टैप करना है। अब आपको इस पेज पे कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल अगर यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता है, तो इसे टैप करके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट करना है, ठीक है। अब देखिए आखिरी काम ये करना है, मोबाइल फोन को आपको ना रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का आप सेटिंग पेज ओपन करिए। सबसे ऊपर आपको सर्च बार पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है। आपको नीचे ऑप्शन मिलता है इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट, इसे टैप करना है। इसके अगले पेज में आपको इरेज ऑल डेटा का ये ऑप्शन टैप करना है। नीचे आपका पेज आता है, इसमें इरेज डेटा का ये ऑप्शन टैप करना है। इससे आपका फोन जो है रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन में जितना भी डेटा है उसका बैकअप ले लीजिए अपने फोन में। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। तो ये दो काम पहले करना है, उसके बाद फोन को रीसेट करना है, ठीक है। तो मेरे बताए हुए तरीके आपको यूज करने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना।